नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट हब में। दोस्तों आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। ये करेले की सब्ज़ी ऐसी है जो कि एक वर्ष सूखे हुए पुराने करेले हैं जिनको हमने सुखा के रखा था, आज उनकी सब्ज़ी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर प्याज हमने काट रखा है, आम काट रखा है एक, और हरी मिर्च और लहसुन हमने काट कर रखा है। आपको मज़ा आने वाला है लास्ट तक इस वीडियो के साथ, बने रहिए। और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। यह हमने लिया है खड़े मसाले, देखिए यहाँ पर काली मिर्च, धनिया, सौंफ, अजवाइन, और ये हमने अब हमारी करेले हैं ये पानी में हमने रात भिगो के रखे थे, जो कि हम इसको निचोड़ रहे हैं। निचोड़ने के बाद ताकि इसका पानी जो है पूरा निकल जाए। इसको निचोड़ने के बाद हम एक प्लेट में इसको रख देंगे, क्योंकि ये हमने रात को भिगोए थे, एक साल पुराने सूखे हुए हैं भाई, तो जाहिर सी बात है सूख गए होंगे, तो उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए पानी में रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कटोरी में सौंफ अजवाइन कूट कर रख लिया है, यहाँ पर ये हल्दी है एक चम्मच, और यहाँ भी आपको यहाँ पर एक चम्मच मिर्च है, डेढ़ चम्मच, सादों साथ रख सकते हैं क्योंकि तीखा या ना आपको पसंद है। ये नमक आ गया। अब दोस्तों हमने ये कढ़ाई रख ली, इसमें हम तेल को डालेंगे, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है, तो इसमें हम ये सूखे हुए जो करेले हमने निकाले थे निचोड़ के, वो हम इसको छोड़ेंगे। हमने करेले छोड़ दिए हैं, अब इनको हम मिलाएंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सकें। इसको जब तक चलाएंगे जब तक फ्राई होते रहेंगे, पूरे अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाए तब तक ऐसे ही चलाना रहना है, क्योंकि ये नहीं चलाएंगे तो लग जाएंगे। ये हमने पेस्ट बनाया है, हल्दी नमक वो डाल ही दिया था हमने, ताकि लहसुन वगैरह का ये सब सारा पेस्ट ऊपर से हमने यहाँ पर तेल डाला है। यहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं, पानी नहीं डालना है करेले बनाने में, पानी का इस्तेमाल तो आपको करना ही नहीं है दोस्तों। ये देखिए हमारे फ्राई लगभग लगभग हो चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा और कटेंगे। ये हम जब तक चावल बना लेते हैं, तो ये हमारे करेले फ्राई हो गए, हम इसको निकाल लेते हैं। बिना तेल के साथ ही बनेगी दोस्तों ये रेसिपी जो है, वो बिना पानी की रेसिपी है। कृपया ध्यान से देखिएगा, कढ़ाई में ये दोबारा तेल डालेंगे हम। इसको भी थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हमने जो काट के रखे थे प्याज वगैरह, ये भी देखिए हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर हमने डाला लहसुन साबुत, साबुत लहसुन डालेंगे। इसको थोड़ा होने देंगे। ये थोड़ा सा बन चुका है, उसके बाद दोस्तों अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हमने काट के रखा था वो प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा इसको चलाएंगे ताकि तेल में मिक्स हो जाए।
अब दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने हरी मिर्च काट कर रखी थी उसको। देखिएगा आप इसमें हमें डालना है क्योंकि तेल जो बीच में आ जाता है तो उसमें अच्छे से वो फ्राई हो सके। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हरी मिर्च है इसको गरम तेल में एक बार भून के फिर निकालना है, अलग रख लेना है, उसके बाद इसमें डालना है और ये प्याज के साथ में भूनना है आपको। अब यहाँ पर आम डालेंगे हम, जो हमने आम काट कर रखा था कच्चा आम, आप इसको ऐड करके मिलाएंगे अच्छे से। इसको ढक दिया है, उसके बाद देखेंगे 5 मिनट बाद हमने इसको देखा तो अभी तक हमारा प्याज ये अभी हुआ नहीं है, बना नहीं है सही से, अभी ऐसे के ऐसा ही है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। अब हम इसमें थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, इसके लिए इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा से ढक देंगे। पाँच मिनट बाद खोलेंगे, 5 मिनट बाद हमने फिर से इसको देखा तो अभी जो है प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है, साथ ही आम वगैरह अच्छे से भुन चुके हैं। इनको अब एक साइड में आप निकालने की प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे। हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। पानी इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, मज़ा तभी है इस चीज़ का। अभी हम इसमें कढ़ाई में दोबारा से तेल डालेंगे, तेल को होने देंगे थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें धनिया डालेंगे और डालेंगे मेथी के बीज। दालचीनी धनिया ये गया ग्राइन, जीरा साथ में हल्का सा। अब हमने जो पेस्ट बना कर रखा था तेल से ही, हल्दी मिर्च पाउडर का और नमक का, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब फिर उसके बाद अच्छे से इसको भूनना है, अच्छे से भूनेंगे ताकि ये मसाले अच्छे से पक सकें। तो ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं हमारे मसाले। हम इसमें जो हमने प्याज निकाला था और करेले निकाले थे वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएंगे ताकि मसाले हमारे इसमें अच्छे से मिल सकें। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। अब देखते हैं 2 मिनट बाद किस तरीके से ये, देखिए देखिए क्या लाजवाब। अभी आपको लग रहा है पानी नहीं है, देखिए फिर भी कितना अच्छा बढ़िया एकदम लग रहा है। दोस्तों इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए, मज़ा आना है तो कहना, और अच्छा लगे या बुरा लगे जैसा भी लगे आपको कमेंट में ज़रूर एक बार बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए ताकि ऐसी हम वीडियो आपके लिए आगे तक ला सकें। अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए इंटरटेनमेंट हब के साथ। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए सादर नमस्कार।